Have you ever seen mirror work on a bottle before? Do let me know in comments. Hello everyone, welcome to my channel PC Crafts Planet. So, this is the third episode of Bottle Craft series. इस सीरीज की बाकी सारी वीडियोस की लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएंगी. इन केस अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं, तो आप चेक कर सकते हैं. As you can see, इस बॉटल के ऊपर काफी कुछ डिजाइन्स बने हुए थे, तो हम इसे पहले एक बेस देंगे, जिसके लिए हम यूज करेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस. प्लास्टर ऑफ पेरिस अगर आपके पास नहीं है तो इसकी जगह आप बेबी पाउडर भी यूज कर सकते हैं. इसमें हम डालेंगे अराउंड 1 स्पून ऑफ ग्लू एंड थोड़ा सा पानी. इसे हम अच्छे से मिक्स करके एक पेस्ट बना लेंगे. इसकी कंसिस्टेंसी मीडियम होनी चाहिए, बहुत ज्यादा थिक हमें इस पेस्ट को नहीं रखना है और ना ही वाटरी वाटरी टाइप का ये होना चाहिए. देन विद द हेल्प ऑफ ब्रश हम इसे बॉटल के ऊपर अप्लाई करेंगे. आई वॉन्ट टू हैव सम रॉ काइंड ऑफ अ टेक्सचर ऑन द बॉटल, सो इस पेस्ट को मैं बॉटल के ऊपर इवनली अप्लाई नहीं कर रही हूँ. यहाँ पर भी जब एक लेयर पीओपी की ड्राई हो जाएगी, उसके बाद हम इसमें सेकेंड लेयर लगाएंगे. 2 लेयर इस पेस्ट की हमें बॉटल के ऊपर लगानी है. हेयर यू कैन सी जो भी डिजाइन्स वगैरह इसमें बने हुए थे, अब वो बिल्कुल भी विजिबल नहीं है. सो अब हम इसके ऊपर कलर्स अप्लाई करेंगे. यहाँ पर कलर अप्लाई करने के लिए मैं स्पंज यूज कर रही हूँ. If you have seen the previous video, उसमें हमने बॉटल को बेस देने के लिए टिश्यू पेपर यूज किया था और बहुत ही ब्यूटीफुल टेक्सचर हमें मिला था. बेस कोट देने का बेनिफिट ये होता है, जो अनइवन सरफेस या डिजाइंस वगैरह कुछ होते हैं बॉटल के ऊपर, वो प्रॉपरली कवर हो जाते हैं. एंड सेकेंड, जो भी कलर हम इसके ऊपर अप्लाई करते हैं वो खिलकर आते हैं. दो कोट हम कलर की इसके ऊपर अप्लाई करेंगे. कोई भी प्रोजेक्ट हम बनाते हैं तो कलर के मिनिमम 2 कोट हमें जरूर अप्लाई करने चाहिए. इससे हमारे प्रोजेक्ट में फिनिशिंग बहुत अच्छी आती है. नेक्स्ट हम बॉटल के ऊपर ब्राउन कलर का टिंट देंगे. इसके लिए हम थोड़ा सा पानी कलर में मिला लेंगे, जिससे जो कि कलर का मीडियम है वो थोड़ा सा रनी हो जाएगा, प्लस कलर का शेड भी थोड़ा सा लाइट हो जाएगा. एंड स्पंज से ही धीरे धीरे हमें इसे बॉटल के ऊपर अप्लाई करेंगे. दिस स्टेप इज कम्प्लीटली ऑप्शनल, आप चाहें तो स्किप कर सकते हैं. हेयर यू कैन सी हाउ ब्यूटिफुल दिस कॉम्बिनेशन इज लुकिंग, और कितना प्यारा इफेक्ट इसके ऊपर इन दोनों कलर से आया है. नेक्स्ट वी आर गोइंग टू डू सम मिरर वर्क ऑन द बॉटल. यहाँ पर मैंने 2 शेप्स के मिरर लिए हैं, 1 इज सर्कल एंड अनदर 1 इज डायमंड. एंड इन मिरर को स्टिक करने के लिए हमें चाहिए किसी भी टाइप का एडहेसिव ग्लू, आप चाहें तो क्विक फिक्स भी यूज कर सकते हैं. नेक्स्ट हम लेंगे क्ले. पहले हम इस क्ले का एक कॉइल बना लेंगे और इस कॉइल को हम मिरर के साइड्स में चिपका लेंगे. बाकी की मिरर को भी हम एक एक करके इसमें स्टिक कर लेंगे. यहाँ पर आप चाहें तो पहले पेंसिल से कुछ मार्क्स बना लें, फिर इसके ऊपर मिरर चिपकाएं, ताकि इक्वल डिस्टेंस सारे मिरर्स के बीच में रहे. या फिर आप बेसिक रफ डिजाइन पहले रेडी कर लीजिए पेंसिल से फॉर अ गाइडेंस. बट पेंसिल आप बहुत लाइटली इसके ऊपर यूज करें, क्योंकि ऑलरेडी हम बॉटल के ऊपर कलर कर चुके हैं. इन केस अगर आप कोई मिस्टेक कर भी दें, तो पेंसिल के मार्क्स इसके ऊपर ना दिखें.
नाउ हम क्ले का यहाँ पर एक लंबा सा कॉइल बना लेंगे एंड फिर जिस भी लेंथ का कॉइल हमें चाहिए अकॉर्डिंगली हम इसे कट करते जाएंगे। ऐसा करने से हमारा टाइम काफ़ी सेव होगा, हमें बार बार छोटे छोटे कॉइल्स बनाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एंड ऑल्सो कॉइल की थिकनेस जो है वो सेम रहेगी जिससे हमारा ओवरऑल डिज़ाइन काफ़ी अच्छा लगेगा। नेक्स्ट हम क्ले का छोटा सा बॉल बनाएंगे और इसको हम ड्रॉप का शेप देंगे। स्टिक करने के टाइम इसको हम थोड़ा सा अपने फिंगर से प्रेस कर लेंगे जिससे कि ये फ्लैट हो जाएगा। इन सिमिलर वे हम क्ले को छोटे छोटे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करके इस तरीके के ड्रॉप शेप में रेडी कर लेंगे और फिर एक एक करके इनको हम सर्कल के साथ ऐसे चिपकाते जाएंगे। बेसिकली इस आर्ट फॉर्म को मड एंड मिरर वर्क के नाम से जाना जाता है। इट इज ऑल्सो नोन एज लिप्पन काम। ये गुजरात का ट्रेडिशनल आर्ट है। एक्चुअली गुजरात में देर इज अ प्लेस कॉल्ड कच्छ। ये स्पेशली वहाँ का फेमस ट्रेडिशनल म्यूरल आर्ट है। आपने मे बी इस आर्ट फॉर्म को एज ए वॉल डिकोर कई बार देखा होगा। इन फैक्ट काफी टाइम पहले मैंने भी एक वेस्ट प्लेट के ऊपर लिप्पन काम ट्राई किया था। उस वीडियो का लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। बट बॉटल के ऊपर आई एम ट्राइंग इट फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम एंड आई एम एब्सोल्युटली लविंग इट। बॉटल के नेक के पोर्शन में भी हम कुछ डिजाइन बनाएंगे। हेयर आई एम यूजिंग डायमंड शेप के मिरर्स। इसको हम इक्वल डिस्टेंस में स्टिक करेंगे। सेम बॉर्डर डिजाइन हम बॉटल के बॉटम में भी बनाएंगे। अगेन हम यहाँ पर क्ले का एक लंबा सा कॉइल बनाएंगे एंड फिर इसे इक्वल पार्ट में हम कट कर लेंगे और मिरर्स के बीच में हम इनको एक एक करके स्टिक करते जाएंगे। अगर इनकी लेंथ थोड़ी बहुत लंबी हो भी जाती है तो नॉट टू वरी, एक्स्ट्रा पार्ट इनका हम कट करके इस तरह से निकाल लेंगे। सेम प्रोसीजर हम बॉटम पोर्शन के लिए भी फॉलो करेंगे। मैंने बहुत ही सिंपल एंड इजी डिजाइन यहां पर बनाया है। इसमें काफी सारे वेरिएशंस आप ट्राई कर सकते हैं। एक इम्पॉर्टेंट बात का ख्याल आप यहाँ पर ज़रूर रखें इस बॉटल आर्ट को बनाने के लिए, मिरर्स जो आप यूज़ कर रहे हैं वो छोटे साइज़ की लें। इससे जो डिज़ाइन इसके ऊपर आप बनाएंगे वो ज़्यादा बेटर बनेगा। थोड़े बड़े साइज़ के मिरर्स भी आप यूज़ कर सकते हैं, बट डिपेंड करता है कि आप किस शेप एंड साइज़ की बॉटल यूज़ कर रहे हैं, ऑल्सो आप किस टाइप का डिज़ाइन बना रहे हैं। ये मिरर्स काफ़ी डिफरेंट शेप्स एंड साइज में मार्केट में अवेलेबल हैं। आप लोकल स्टोर में इनको चेक कर सकते हैं। इन केस ये ऑनलाइन मुझे कहीं दिखते हैं तो इनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। आई एम इन लव विद दिस बॉटल आर्ट। आपको यह आइडिया कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर जरूर बताइएगा। इस वीडियो से अगर आपने थोड़ा सा भी कुछ लर्न किया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। प्लीज इसे शेयर जरूर करें अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली के साथ।
और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी के अभी सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल ऑन करना मत भूलिएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर।